नमस्कार दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्विंग हिंदी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि कैसे आप बिना सॉफ्टवेयर के वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं अपने कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप पे। तो दोस्तों, इसको जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, और जो मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब का ऑप्शन दबाना है, और उसके बाद जो है आप बेल आइकन को प्रेस करते ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो वॉइस टाइपिंग के लिए आपके पीसी लैपटॉप में गूगल क्रोम होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास गूगल क्रोम नहीं है तो आप किसी भी ब्राउज़र में गूगल क्रोम सर्च करके आप जो है गूगल क्रोम को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गूगल क्रोम डाउनलोड करने के लिए आप अपने कंप्यूटर में गूगल क्रोम सर्च करें, और गूगल क्रोम का जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें। आप यहाँ पे डाउनलोड नाउ या गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इसको डाउनलोड क्रोम को अपने लैपटॉप पीसी में इंस्टॉल कर लें। तो मेरे पास पहले से ही गूगल क्रोम है, तो मैं गूगल क्रोम पे चलता हूँ दोस्तों, और आगे बताता हूँ कि आपको कैसे वॉइस टाइपिंग करनी है। गूगल क्रोम इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों, आपको डिक्टेशन IO सर्च करना है अपने गूगल क्रोम के ब्राउज़र में, जैसे कि dictation.io भी आप इसमें डाल सकते हैं, और उसके बाद जो है लॉन्च डिक्टेशन को आपको क्लिक करना है। लॉन्च डिक्टेशन क्लिक करके आप जो है इसमें माइक्रोफोन को अलाउ कर लें, जैसे कि मेरा ऑलरेडी अलाउ है तो इसको आप अलाउ कर लें, और उसके बाद जो है स्टार्ट का ऑप्शन क्लिक करके आपको ये सारी चीज़ें इंग्लिश में टाइप होना स्टार्ट हो जाएंगी। जो भी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ वो टाइप होना आप देख रहे होंगे, वो टाइप होना शुरू हो गई है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि आप अलग अलग लैंग्वेज में कैसे टाइप कर सकते हैं। तो आपको लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट करनी है दोस्तों, यहाँ से आप अगर हिंदी में टाइप करना चाहते हैं तो हिंदी लैंग्वेज यहाँ पर है, आप हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करके इसको स्टार्ट कर दें। स्टार्ट करने के बाद ये सारी चीज़ें आपके सामने टाइप होना स्टार्ट हो जाएंगी। जो भी आप अपने माइक पे बोलेंगे, जो भी आप बोलेंगे वो टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये एक अच्छा तरीका है बड़े लंबे टेक्स्ट को आसानी से बोल के ही आप टाइप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह की और भी नई वीडियोज़ आपके साथ शेयर करता रहूँगा, और आप इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहें और नई चीज़ें सीखते रहें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।